भगत पूर्णमल का भाग नंबर दो। मैं ना कैसेट कंपनी वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है। रे उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मन मत न्या छेड़े भरतार। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारी, मन मत न्या छेड़े भरतार। तेरे ते बोल्या ना चाची, ओए अंधेरे गबार मैल में दीवाना बती।
रोप दिए चाले दाने, तने रोप दिए चाले। मैं ईद खोल के गेरू तेरे सिर गुंदी के नाले, तेरे सिर गुंदी के नाले। काले मुंह की नाई तेरे उस पूरन मल में आगी, तेरे टोपी काले मुंह की नाई तेरे उस पूरन मल में आग पालती गेर के पति। एरे इसे भगत के दोष लगावया अचल में भरी गति, बंदर से घर के मैल में, बंदर से घर के शेरी लक्ष्मी चल के ही पयो पंडा मेरा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। नारी टोपी करके जा बैर समाई हारी, दोनों माय की बनू लुगाई। नारी टोपी करके जा बैर समाई हारी, दोनों माय की बनू लुगाई। मेरी ना ओ डबडी छती गदे बन आई मरवाज देखिए या अशीली से तती, कि रानी क्या बात हुई, ऐसा काम क्यों किया। और राजा सलीबान अपनी रानी से पूछने लगा, खोल के बता दे गोरी रे, पति के आगे सारी असन पटीले हैं पड़ी रे, तेरे कौन सी से दया करे तन मन धन की बात पति के।
आके क्या करे तीरे, मेरे आके क्या करे तीरे। ओ हसी खुशी ते अरे आ करे थी आज ने नाते जेल जा।
राजा सुलेमान रानी से पूछता है कि रानी क्या बात हुई, तो राजा के सामने रानी नूनांदे बताती है कि महाराज आज पूर्णमल आया था और उस पूर्णमल की शिकायत करती है। क्या वे तेरे पूर्ण मली बदकार मैं गई मार के गिर आदि मेरी गैल जुलम कर क्या आदि मेरी गैल जुलम कर क्या
पीते को न्या जन में मरण के बन लखनी चंद कर तार में लुट धन माया का ढेर दाद जो न जीवता मर गया आज मेरी कैन दुलम कर गया तेरे जब राजा सुलेमान ने ये बात सुनी रानी की तो एकदम गुस्सा आया और रानी से कहने लगा बंद कर ले ओए कर ले बंद जबान बसरे एरे तू चुप की बदकार हो जा कर ले बंद जबान बसरे खुल जा सोच ले तख्त धरण का हल जा सोच ले तख्त धरण का हल जा फिर डुल जा जियान बुशरे डुल जा जियान बुशरे जय पूर्ण मलकार हो जा कर ले बंद जबान बुशरे खींचती तेरी ना बात बताई दसती तेरी ना बात बताई दसती रचती तूफान बसरे रचती तूफान बसरे होली को त्यौहार हो जा कर ले बंद जबान बसरे तेरा भाई मर जा जय पूरण बे अदबी कर जा पूरण बे अदबी कर जा गिर गिरी जा आसमान बसरे गिरी जा आसमान बसरे अचेग मोम की धार हो जा कर ले बंद जबान बसरे पड़े कट के हट जा अलग बेहूदी छट के हट जा बेहूदी तेरे रटी के भगवान बसरे रटी के भगवान बसरे इस झगड़े तार हो जा राजा पहले तो क्रोधित हुआ लेकिन रानी ने दलील देने के बाद कि महाराज मेरे साथ ऐसे बनी है
तो राजा सलीमान रुष्ट होकर वापिस दरबार में चले जाते हैं और उधर से हलकारा भेज दिया कि भाई पूर्णमल को जल्दी बुला गया। वो हलकारा पूर्णमल के पास जाता है, कहा कि भाई पूर्णमल तेरे पिता ने तेरे को याद किया है। पहले तो पूर्णमल ने कहा कि भाई मैं तो अभी आया हूँ, क्या काम हो गया? कि भाई इस बात का नहीं पता, तेरा पिता जल्दी से जल्दी याद कर रहा है और है रानी नूना देवी पास और एक बांदी है। पूर्णमल का वही ख्याल गया और क्या कहने लगा। मेरा भन कपड़ी थी काना के मां उज्जल कया चौगर देते घेर लिया री बन मोसी माया बन मोसी तेरी माया धन कपड़ी थी काला के माया उजल आया घेर लिया धन मोसी तेरी माया धन मोसी पता डा
मेरी मौसी ने, मेरी मौसी ने करना चाहा बेटिए का बुकारा, के मन में वारान डूब गई ऐसे मरोप दिया तारा, भले गारा में आन जन्म ले वे खोते भाग गया, नीच कर्म से वो ऊंच गारा का नीच बैठा जे ताड़ा, नीच बैठा जे ताड़ा, जैसे मेरी मौसी ने आज मारे घर का, मेरी मौसी ने आज मारे घर का नाश कराना चाहा, भाइयों ये प्रोग्राम पूर्णमल भाग नंबर 2 मास्टर सुखबीर सिंह की आवाज में मैना कैसेट वालों की तरफ से पेश किया गया है। नकली कैसेट आपके टेप रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकती है, हमेशा मैना कैसेट ही खरीदिए। धन्यवाद। छोटा नहीं कहावे वे लेके कर्जा बेतार किसे का, छोटा नहीं कहावे पूरे कर्म से कोई इज्जत बनती, मोटा नहीं कहावे मौसी के दर्शन करके यो फर पाया, तो कर दे घेर लिया जन मौसी तेरी माया, जन मौसी तेरी माया, बेन के पड़ी थी गाना के मारा यो दिल का पूर्णमल और रूपी साध दीवान दरबार में पेश हो जाते हैं। एक तरफ रानी और बांदी खड़ी है, एक तरफ लड़का पूर्णमल और बीच में राजा सलेबान विराजमान है। तो दोनों से प्रश्न पूछता है राजा सलेबान, भला क्या ओए मां बेटे का नेग बिगड़ गया, दोष धरिया कौन से धर्म स्वरूपी कहनी सही कोट करया कौन से न?
ठहरी चाहिए कोट करा कौन से साल की
करी तपस्या सारी निष्फल होगी। तेरह बारह साल की करी तपस्या सारी निष्फल होगी। तेरे फल लागन कार से पूछता है कि मैंने तेरे को अपनी माता के दर्शन के लिए भेजा था या बकवास के लिए। तो लड़का पूर्णमल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि पिताजी न तो मेरी माता की गलती है न मेरी गलती है, इब हाल में ये तो पिछले जन्म की कोई बात है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो लड़का पूर्णमल अपने पिता के सामने बयान देता है क्या वे राम जानता मां बेटे कौन से की नालकी थी गाजड़े आली मौत मारूंगा अनुए लकी रखी नाल
पिछले जन्म में जानी बूझी कोई खोटी कार करी थी। इस वाणी में मौसी पैना खोटी नीत धरी थी। मेरे लिखे देर बराबर तेरे लिखे चीज खरी थी। अनुमत जाने तेरे पूरन में अमृत रूप भरी थी। देखे कड़वी मिट्टी करो जी जा से सो सुगाती। मन मौसी के पातरे की मट्टी मौसी के पातरे की मट्टी खान बना फटी थी। रातने आई मौत मारूंगा तुए लिख रखी। फका के दे क्या गया चूक ने शमा डान में फिर पिता शका के दे क्या। अच्छा ती के माँ जख्म कसूता दर्द दुखा के दे क्या। ओए मन मौसी के पाशवा कदे नहीं लखा के देख्या। देखे मेरे कदा के बोल उड़े मेरी कदा के बोल सुने जित मौसी की जखी।
प्यता शपाई हुक्म देण ने मेरी मौसी बनी दरोगा के जाने कंगाल गति ने ऐसे अमीरी भोगा जो इसी वीर का कहा मान ली मानस ना कहे दोगा लक्ष्मी चन के मेरा फैसला अधर्म राज घर होगा एर पूर्ण और उसकी मौसी की के पूर्णमल ने अपने पिता के सामने साफ साफ बयान दे दिए। इन बयानों को सुनकर रुपये शाह दीवान ने कहा कि महाराज इसमें लड़के पूर्णमल का कोई दोष नहीं और आप इसको दंड नहीं दे सकते। जबकि राजा सलेभान ने ये हुक्म दे दिए थे कि इसको फांसी तोड़ दो या जल्लादों को सौंप दो, इसका सिर काट देंगे। तो ये बात सुनकर सलेभान राजा क्रोधित हो जाते हैं रुपये शाह पर और उसको क्या कहने लगे। तुम रोक लिया क्यों टोक लिया मने रोक लिया मेरा तेगा था मैं लिया मने इसके रंग में काया कणी इसके रंग में काया जब सोनी थी कान पे मारूंगा जान पे सले बान पे समय जी गोला मैं लिया कौन भूख में नित उठ करता काम चूक में नित उठ करता काम चूक में जिसकी कूख में दे क्या बन पे दे था मां संग बेटा सोची हरा मैं दिया ओए मैं ना आऊं थारे फंड में जने यो फिरता कौन गमन में जनो यो फिरता कौन ओए डंडे में गति से साख लिए याद रख
ना ना मैं लिया ओए लक्ष्मी चंद समारो अगती बांध के राम नाम की सगती बांध के राम नाम की भगत दुनिया ते मेरी गे जन कर वे जगरी गे मंगते फेरी गे बसे नहीं गा मैं लिया किस्सा मास्टर सतवीर सिंह की आवाज में मैना कैसेट की तरफ से पेश किया गया है। आपसे अनुरोध है कि जो कोई कैसेट खरीदे मैना ही खरीदे। धन्यवाद।